सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B25 फोन में आप कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे वीडियो कैसे लगाओगे। सो अगर आपके पास वीवो का B25 फोन है, अगर आप चाहते हो अपने कॉल स्क्रीन पे अपना खुद का वीडियो एंड अगर चाहते हो किसी के और का वीडियो लगाना, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बताने वाला हूं। अपने कॉल स्क्रीन पे आप यहां पे जो कॉल स्क्रीन आती है आपकी, वहां पे आप वीडियो सेट कर सकते हो एंड कैसे करना है इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं पूरे फुल डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, बात करने वाले हैं वीवो के B25 फोन में आप वीडियो एंड फोटोस वगैरह आप अपने कॉल स्क्रीन पे कैसे सेट करोगे। तो चलिए स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोग को बताने वाले हैं वीवो के B25 फोन में आप अपने कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड पे अपना फोटो एंड खुद का वीडियो कैसे लगाओगे। जैसे कि मैंने आप लोग को शुरू के वीडियो में, आप लोग को इंट्रो में बताया था कि यहां पे आप वीडियो कैसे सेट कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। तो यहां पे आप लोग को सेट करने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, आप लोग को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अदरवाइज आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आप लोग को चल के दिखाता हूं प्ले स्टोर से आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आप लोग को सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। सर्च बार पर जैसे क्लिक कर, तो यहां पर आप लोग को लिखना कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड फोटो। जैसे लिखोगे यहां पे आप लोग को एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहां पे दूसरे नंबर पे ये वाला एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसे आपको ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे एप्लीकेशन ओपन होने में 1 से 2 सेकंड लगता है, तो यहां पे ओपन हो जाता है। अब यहां पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपके पास अलाउ का परमिशन मांगेगा, यहां पे आप लोग को परमिशन दे देना है। देने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे आप लोग को क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को यहां से ऑन कर देना एंड अलाउ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको नीचे से कुछ नहीं करना, यहां पे आपको बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपको यहां से भी इसे परमिशन दे देना है। लेकिन दोस्तों, यहां पे जिस एप्लीकेशन को आपने परमिशन नहीं दिया, यहां से आपको परमिशन देने के बाद उसके बाद आपको बैग आ जाना है। बैग आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आप यहां पर चाहते हो, पहला नंबर आप चाहते हो कॉल बॉटम थीम्स, कॉल बॉटम थीम्स को चेंज करना चाहते हो, तो यहां पर आप इसे ऑन करोगे एंड आपके पास एक ऐड आएगा। ऐड को आप यहां पे स्किप भी कर सकते हो, जैसे कि यहां पे मैंने ऐड को स्किप कर देता हूं। ऐड को हमने स्किप कर दिया एंड यहां पे हमारे पास कुछ थीम्स वगैरह आ चुके हैं, तो हम यहां से कोई थीम्स अच्छा से लगाने वाले हैं, जैसे कि ये वाला। अब यहां पे हम सेट पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा सेट हो चुका है। अब दोस्तों, यहां पे अगर चाहते हो ये वाला लगाना, जैसे कि ये आप लगा आप जाता है नंबर पे आपका, इसके आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद अगर आप चाहते हो यहां पे कुछ और भी कंटेंट नंबर पे, यहां पे आप जैसे कंटेंट वाला सेट करना चाहते हो, तो यहां पे आपके पास एक ऐड आएगा। ऐड को यहां से आप स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि यहां पे मैंने ऐड को स्किप कर देता हूं एंड हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड यहां पे आप किसी भी कंटेंट नंबर पे आप लगा सकते हो। जैसे कि यहां पे आप क्लिक करोगे एंड कंटेंट नंबर पे आप यूज कर सकते हो किसी भी कंटेंट नंबर पे। जैसे कि यहां पे मेरा कंटेंट नंबर है ये वाला, यहां पे हमने सेट कर दिया एंड इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहां पर मिल जाता है आपका वीडियो ऑफिशियल वीडियो। ऑफिशियल वीडियो अगर आप लगाना चाहते हो तो यहां पर आपको क्लिक करना एंड अगर आप खुद का वीडियो लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो। लेकिन ऑफिशियल वीडियो पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद आपको यहां पे क्लिक करना एंड स्किप हो जाएगा। अब यहां पे अगर ऑफिशियल वीडियो के मतलब दोस्तों, यहां पे अगर आप कोई भी वीडियो दूसरे का लगाना चाहते हो अपने कॉल थीम पे, तो इस तरीके का आपको मिल जाएगा। यहां पे आप कोई दूसरे का भी वीडियो आप यहां से लगा के यहां पे अप्लाई क्लिक करके सेट नाउ पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहां पे आप लोग को बताने वाला, अगर आप अपना खुद का लगाना चाहते हो, अगर अपना लगाना चाहते हो, तो यहां पर आप लोग को क्लिक करना एंड आपके पास फिर से ऐड आएगी एंड ऐड आने के बाद आपको स्किप कर लेना यहां से ऐड को। यहां से मैंने स्किप कर लिया, उसके बाद हमारे पास हमारे गैलरी के अंदर लेकर जाएगा। ये गैलरी के अंदर लेकर आने के बाद अगर आप चाहोगे अपना खुद का वीडियो लगाना, तो जैसे कि आप अगर आपने शॉर्ट वगैरह वीडियो बना रखे हैं, अगर जैसे भी कुछ भी लगा रखे हैं, तो जैसे कि मेरे पास एक फनी कम्युनिटी है, तो यहां पर मैंने इस वाले को लगाना चाहता हूं। तो यहां पर अगर आप इसे फुल करके लगाना चाहते हो तो आप इसे फुल करके लगाना चाहते हो। लेकिन अगर आपने शॉर्ट वीडियो बना रखा है तो यहां पर आपको शॉर्ट वीडियो लगाना चाहते हो। तो जैसे कि यहां पे आप लोग को मैं दिखाता हूं पूरा फुल वीडियो कैसे लगाना है।
तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना एंड एल्बम के अंदर आ जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है, अब इंस्टाग्राम पे मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है। यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो अपने गैलरी से खुद का अपना लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना एंड इस तरीके का आपका खुद का वीडियो लग जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से हम सेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये सेट थीम्स हो चुका है। अब दोस्तों इस तरीके से आपके कॉल बैकग्राउंड पे आपका खुद का फोटो लग चुका है। अब जब भी आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आएगा तो आपका वीडियो चलेगा, कॉल स्क्रीन पे आपका वीडियो चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी कॉल वगैरह आ जाएगा एंड आपने कॉल किया किसी के पास, डिफॉल्ट आपने कॉल किया तो आपके पास कोई भी कॉल आ रहा है तो आपका यहाँ पे खुद का वीडियो चलेगा। जैसे कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपका खुद का वीडियो चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे डायलर जो कि मैंने अपने डिफॉल्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसे सेट करूंगा एंड हमारा डायलर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ 198, अब यहाँ पे हमारा जब भी कॉल वो लगा, अगर यहाँ से आपने कॉल लगा रखे हैं तो यहाँ से आपका वीडियो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी कॉल करता है बंदा तो आपके पास वीडियो चलेगा। इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड पे कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड पे अपना खुद का फोटो सेट करके एंड यूज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, आप अपना खुद का भी फोटो यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपना खुद का वीडियो यूज करना तो भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अपना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, दूसरे का भी वीडियो वगैरह शॉर्ट वीडियो अपने कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में समझा दिया हूँ कैसे आप अपने कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे अपना खुद का वीडियोस एंड फोटोज अपने वीवो का B25 फोन में आप लगा सकते हो कॉल स्क्रीन बैकग्राउंड पे। तो मैंने आप लोग को डिटेल में इस वीडियो में बता दिया हूँ, तो जाके आप इस एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए, आज जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।